सेविंग एंड एक्सेल फाइल इस लेसन में आप सीखेंगे कि सेव सेव और की कमांड्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं एक्सेल 97 टू 2003 की कंपैटिबल फाइल किस तरह सेव करते हैं एक्सेल वर्कबुक को पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं सेविंग वर्कबुक्स। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई वर्कबुक बनाते हैं तो आपको इसे सेव और बाद में उसे एक्सेस भी करना आना चाहिए एक्सेल में आप अपने वर्कबुक डॉक्यूमेंट को कई मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं टू यूज द सेव एज कमांड सेव एज कमांड से आप फाइल का नाम और उसकी लोकेशन का इंतखाब करते हैं आप इस कमांड को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे हों या आप अपनी फाइल को एक्सेल की किसी दूसरी वर्जन में सेव करना चाहते हों जबकि आपकी ओरिजिनल फाइल भी अपनी जगह सेव रहे फाइल टैब पर क्लिक करें सेव एज को मुंतखब करें आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां आपने फाइल को सेव करना हो उस लोकेशन का इंतखब करें वर्कबुक का नाम दें और सेव पर क्लिक करें अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी फाइल्स बाय डिफॉल्ट आपकी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव होती हैं जबकि विंडोज की दूसरी कई वर्जन में फाइल्स बाय डिफॉल्ट आपके माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव होती हैं टू यूज द सेव कमांड क्विक एक्सेस टूल बार से सेव पर क्लिक करें आपकी वर्कबुक उसी करंट लोकेशन पर सेव हो जाएगी उसी नाम से अगर आप फाइल को पहली बार यानी नई फाइल सेव कर रहे हो तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुद ब खुद आपके सामने खुल जाता है टू यूज ऑटो रिकवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली एक टेम्पररी फोल्डर में सेव करता है अगर एक्सेल पर काम करने के दौरान आप अपनी फाइल को सेव करना भूल जाएं या खुदा एक्सेल सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो आप एक्सेल की बनाई गई फाइल के जरिए अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ऐसी वर्कबुक खोलें जिसे सेव किए बगैर क्लोज किया गया हो बैक स्टेज व्यू में इन्फो पर क्लिक करें अगर एक्सेल ने आपकी फाइल ऑटो सेव की होगी तो उसकी मुख्तलिफ वर्जन आपको वर्जन्स की ऑप्शन के अंदर नजर आ रही होंगी इनमें से किसी एक को खोलें आपकी वर्कबुक के रिबन के नीचे पीले रंग का एक कॉशन नोट नजर आने लगेगा जिस पर रीस्टोर का बटन होगा अपनी एक्सेल फाइल को रिकवर करने के लिए इस रीस्टोर बटन को क्लिक करके ओके okay करें बाय डिफॉल्ट एक्सेल हर फाइल को दस मिनट बाद ऑटो सेव करता रहता है लेकिन अगर आप अपनी वर्कबुक को 10 मिनट से पहले बंद कर दें तो ये ऑटो सेव नहीं होगी और आप इस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक। बाजत आपको ऐसी वर्कबुक पर काम करना पड़ सकता है जो एक्सेल की पुरानी वर्जन में बनी हो मसलन एक्सेल 2003 या एक्सेल 2000 वगैरह इस किस्म की वर्कबुक सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो सकती है कंपैटिबिलिटी मोड असल में तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और उन बेसिक फीचर्स को कर देता है जो सिर्फ किसी वर्कबुक को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी वर्कबुक खोलें जो एक्सेल 2003 में बनी हुई हो तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सेल 2003 में हैं अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन में काम करते हैं तो ये सबसे बेहतर है कि आप वर्कबुक को एक्सेल के पुराने वर्जन में सेव करें ताकि इस वर्कबुक की फाइल एक्सटेंशन तब्दील ना हो और वर्कशीट तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें टू कन्वर्ट अ वर्क बुक अगर आप एक्सेल 2010 के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी वर्कबुक को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के फाइल फॉर्मेट डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ ये बात याद रखें कि इस प्रोसेस से आपकी वर्कबुक के लेआउट में चंद तब्दीलियाँ आ सकती हैं फाइल टैब पर क्लिक करें और बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करें सेव एज कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें सेव एज टाइप में से एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक को क्लिक करें आपकी वर्कबुक पुरानी फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी टू सेव एज ए पीडीएफ अपनी वर्कबुक को एडोबी एक्रोबैट डॉक्यूमेंट की फाइल में सेव करना पीडीएफ फाइल सेव करना कहलाता है ये तौर पर उस वक्त बहुत फायदेमंद होता है जब आप किसी ऐसे यूजर से अपनी एक्सेल फाइल शेयर करें जिसके पास एक्सेल ना हो और आप उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए वर्कशीट देना चाहते हूँ और यह चाहते हूँ कि वो इस वर्कबुक में कुछ एडिट ना कर सकें फाइल टैब पर जाएं, सेव एज को सिलेक्ट करें सेव एज ड्रॉपडाउन मेन्यू से पीडीएफ की ऑप्शन सिलेक्ट करें अपने कंप्यूटर में लोकेशन का इंतजार करें जहां आपने पीडीएफ फाइल सेव करनी हो अब पीडीएफ फाइल का नाम दें और सेव बटन पर क्लिक करें बाई डिफॉल्ट एक्सेल सिर्फ उसी वर्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करता है जिस पर आप काम कर रहे हों अगर आपने अपनी वर्कबुक की तमाम वर्कशीट्स को पीडीएफ में सेव करना हो तो फाइल सेव करते हुए ऑप्शंस के बटन को क्लिक करें ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस डायलॉग बॉक्स से इंटायर वर्कबुक की ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करें क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज इस लेसन में आप सीखेंगे कि एक्सेल के सादा फॉर्मूले किस तरह बनाए जाते हैं एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड के मैथमेटिकल फंक्शंस किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं सेल रेफरेंस के साथ मुख्तलिफ सेल्स में दी गई वैल्यूज को किस तरह फॉर्मूला लगाकर आसानी से कैलकुलेट करते हैं क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज फार्मूला एक ऐसी हिसाबी मसावत या मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको अप्लाई करके हम मुख्तलिफ परफॉर्म करते हैं जैसे एक कैलकुलेटर हिसाबी अमल करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम इसमें सेल रेफरेंस के जरिए किसी भी सेल का हवाला देकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक्सेल हमारी कैलकुलेशन्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन को इस्तेमाल करता है जैसे प्लस साइन एडिशन या जमा करने के लिए माइनस साइन सब्ट्रैक्शन या तफरीक के लिए स्टेरिक मल्टीप्लीकेशन या जर्प के लिए फॉरवर्ड स्लैश डिविजन या तकसीम के लिए कैरेट एक्सपोनेंट के लिए एक बात जरूर याद रखें एक्सेल में तमाम फॉर्मूले बराबर के साइन के साथ अप्लाई होते हैं टू क्रिएट अ सिंपल फार्मूला इन एक्सेल। उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो मिसाल के तौर पर यहां हम B4 को सिलेक्ट करते हैं इक्वल साइन टाइप करें अब वो फॉर्मूला टाइप करें जिसे आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं मिसाल के तौर पर हम 75/250 लिखते हैं एंटर प्रेस करें ये देखें फॉर्म्यूला कैलकुलेट हो गया और रिजल्ट भी जाहिर हो गया। उसी सेल में जिसे हमने منتخب किया था अगर आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट बड़ी फिगर या रकम में आए तो ये रिजल्ट वाले सेल में पाउंड साइन के साथ जाहिर हो रहा होगा ऐसी सूरत में कॉलम विर्थ को थोड़ा सा बढ़ाने से ये मसला हल हो जाएगा क्रिएटिंग फार्म्यूलाज विथ सेल रेफरेंसेज उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो मिसाल के तौर पर यहां हम बी थ्री को सिलेक्ट करते हैं इक्वल साइन टाइप करें अब उस सेल का एड्रेस लिखें जिसकी वैल्यू इक्वेशन में पहले आती है इस मिसाल के हिसाब से बी वन का रेफरेंस दें अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो मिसाल के तौर पर प्लस का साइन जमा के लिए अब इस सेल का एड्रेस दें जो इक्वेशन में दूसरे नंबर पर आती है मिसाल के तौर पर हम यहां सेल बी टू का एड्रेस देते हैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और B3 में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है अब अगर आप सेल B1 या सेल B2 की वैल्यूज को बदलें तो टोटल खुद खुद तब्दील होगा और इक्वेशन ऑटोमेटिकली रीकैलकुलेट होगी एक्सेल आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या गलत यह आपको खुद देखना होगा क्या आपका फॉर्म्यूला दुरुस्त है या नहीं टू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मैथड उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो मिसाल के तौर पर यहां हम B4 को सिलेक्ट करते हैं इक्वल साइन टाइप करें अब फॉर्मूले में आने वाले पहले सेल को सिलेक्ट करें मिसाल के तौर पर A3 अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो मिसाल के तौर पर स्टेरिक का साइन जर्ब के लिए अब इस फॉर्मूले में नेक्स्ट सेल को क्लिक करें मसलन B3। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें यह देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है टू एडिट अ फॉर्मूला जिस सेल को एडिट करना हो उसे सिलेक्ट करें अब अपने माउस कर्सर को फार्मूला बार में क्लिक करें और अपनी मर्जी से फार्मूला एडिट करें आप सेल को डबल क्लिक करके भी डायरेक्टली फार्मूला देख और एडिट कर सकते हैं जब आप ये कर चुके तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें यह देखें नए रिजल्ट सेल में नई वैल्यू नजर आ रही है अगर आप इस कैलकुलेशन को मनसूख करना चाहते हैं तो कैंसिल कमांड क्रॉस को फॉर्मूला बार में सिलेक्ट करें वर्कशीट बेसिक्स एक्सेल की हर वर्कबुक में कम से कम एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं अगर आप बहुत ज्यादा डेटा पर काम कर रही हूं तो अपने इस डेटा को एक से ज्यादा वर्कशीट्स में रखने से आपका काम मजीद ऑर्गेनाइज्ड या मुनजम हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीखेंगे कि वर्कशीट टैब्स को नाम और कलर कैसे असाइन करते हैं वर्कशीट्स को कॉपी डिलीट ऐड और मूव कैसे करते हैं वर्कशीट्स को ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं कॉलम और रोज को फ्रीज या मुंजमिद कैसे करते हैं ताकि जब आप एक्सेल वर्कशीट्स को स्क्रॉल करें तो ये अपनी जगह से ना हिलें और आपको की नजर आती रहें। इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट्स जब आप एक्सेल वर्कबुक को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने तीन वर्कशीट्स नजर आती हैं और इनके नाम पहले से मुकर्र करता शीट वन शीट टू शीट थ्री होते हैं आप अपनी आसानी के लिए इन वर्कशीट्स को रीनेम कर सकते हैं इसके अलावा इनको निशानी के तौर पर मुख्तलिफ कलर्स भी दे सकते हैं और आप वर्कशीट्स को डिलीट कॉपी मूव इंसर्ट भी कर सकते हैं टू रीनेम वर्कशीट्स वर्कशीट टैब पर राइट right क्लिक करें जिसको आपने रीनेम करना हो आपके सामने वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगी यहां से रीनेम को सिलेक्ट करें वर्कशीट का नाम खुद बखुद हाईलाइट हो जाएगा और अब इसमें अपनी मर्जी का नाम टाइप करें वर्कशीट टैब के बाहर कहीं भी क्लिक करें आपकी वर्कशीट रीनेम हो गई है टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट वर्कशीट टैब में इंसर्ट वर्कशीट के आइकॉन पर क्लिक करें एक नई वर्कशीट बन जाएगी टू डिलीट वर्कशीट्स आप अपनी वर्कबुक में जो भी वर्कशीट चाहें डिलीट कर सकते हैं वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने डिलीट करना हो अब इस पर राइट right क्लिक करके डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें अगर एक से जायद वर्कशीट्स को डिलीट करना हो तो उनको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर माउस से सिलेक्ट करें और किसी एक वर्कशीट पर राइट right क्लिक करके डिलीट करें टू कॉपी अ वर्कशीट जिस वर्कशीट को कॉपी करना हो उस पर राइट क्लिक करके मेन्यू से मूव और कॉपी कमांड को क्लिक करें मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा इसमें यहाँ इस क्रिएट अ कॉपी के चेक बॉक्स को क्लिक करें ओके okay का बटन प्रेस करें आपकी वर्कशीट कॉपी हो गई है और इसका नाम इसी ओरिजिनल वर्कशीट वाला होगा और उसके साथ वर्जन नंबर का इजाफा हो जाएगा टू मूव ए वर्कशीट जिस वर्कशीट को मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें और माउस को ड्रैग करें आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर की शक्ल एक छोटी सी वर्कशीट की मानंद हो जाएगी अब माउस पॉइंटर को यहां तक ड्रैग करें जब तक ये छोटा सा तीर का निशान जाहिर होना शुरू हो जाए माउस को छोड़ें ये देखें आपकी वर्कशीट यहाँ नई जगह मूव हो गई है टू कलर क्यूड वर्कशीट टैब्स आप वर्कशीट्स को कलर कोड्स यानी मुख्तलिफ रंगों से वर्कबुक में जाहिर करवा सकते हैं इस वर्कशीट पर राइट right क्लिक करें जिसे आपने कलर देना हो इस मेन्यू से टैब कलर की ऑप्शन को क्लिक करें अब ये कलर मेन्यू खुल गया है इस कलर मेन्यू में से अपनी मर्जी का रंग मुंत करें जो आप इस टैब को देना चाहते हैं ये देखें इस वर्कशीट का टैब कलर तब्दील हो गया है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग वर्कशीट्स एक्सेल में आप एक वक्त में एक वर्कशीट में या एक से ज्यादा वर्कशीट्स में काम कर सकते हैं क्योंकि वर्कशीट्स को ग्रुप्स में तब्दील किया जा सकता है और इस ग्रुपिंग के जरिए जब एक वर्कशीट में काम करें या कोई तब्दीली करें तो यह तब्दीली बाकी वर्कशीट्स में भी खुद खुद हो जाती है किसी एक वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने ग्रुप में रखना हो अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करें और होल्ड करके रखें अब दूसरी वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने ग्रुप में ऐड करना हो इसी तरह जो वर्कशीट्स आपने इस ग्रुप में रखनी हो उनको सिलेक्ट करते जाएं। अब कंट्रोल की को छोड़ें जो वर्कशीट्स आपने सेलेक्ट की थी उनका एक ग्रुप बन गया है और इसमें शामिल वर्कशीट्स टैब्स का रंग सफेद है टू अन ग्रुप ऑल वर्कशीट्स वर्कशीट ग्रुप में से किसी एक वर्कशीट पर राइट क्लिक करें वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगा इस मेन्यू से अनग्रुप को क्लिक करें आपकी वर्कशीट अनग्रुप हो गई है फ्रीजिंग वर्कशीट पैंस एक्सेल में ये सलाहियत भी है कि आप खास रोज या कॉलम्स को मुंजमिद या फ्रीज कर सकते हैं ये अमल फ्रीजिंग पैंस कहलाता है इस ऑप्शन से जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो वो रोज या कॉलम्स आपको इसी तरह नजर आते रहेंगे टू फ्रीज रोज जिस रो को आपने फ्रीज करना हो उससे निचली रो को सिलेक्ट करें मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि वर्कशीट की पहली और दूसरी रो हमेशा वर्कशीट के ऊपर नजर आती रहे तो आप वर्कशीट की रो थ्री को सिलेक्ट करें और व्यू टैब पर क्लिक करें विंडोज ग्रुप से फ्रीज पैंस की कमांड पर क्लिक करें एक डाउन मेन्यू खुल जाएगा फ्रीज की ऑप्शन को सिलेक्ट करें फ्रीज रोज के नीचे एक काले रंग की लाइन आपको नजर आने लगेगी अब आप अपनी वर्कशीट को स्क्रॉल डाउन करके देखें पहली दो रोज इसी तरह आपको टॉप पर दिखाई देती रहेगी टू फ्रीज कॉलम्स जैसे आप रोज को फ्रीज कर सकते हैं उसी तरह कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं जिन कॉलम्स को फ्रीज करना हो उनसे अगले एक कॉलम को सिलेक्ट करें यानी अगर आपने कॉलम ए और कॉलम बी को फ्रीज करना हो तो कॉलम सी को सिलेक्ट करें और व्यू टैब पर क्लिक करें विंडोज कमांड ग्रुप से फ्रीज पैंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करें काले रंग की एक लाइन फ्रीज हुए कॉलम्स के आगे नजर आने लगेगी अब आप वर्कशीट को बाइन से दाएं स्क्रोल करके देखें कॉलम ए और कॉलम बी आपको वर्कशीट के बाएं जानब नजर आएंगे क्लिक करें फ्रीज पैंस कमांड पर क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा इस मेन्यू से अनफ्रीज पैंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करें काले रंग की लाइन खत्म हो जाएगी और पैंस वर्कबुक से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं आप अपनी वर्कबुक के किसी खास हिस्से को प्रिंट कर सकते हैं और ये भी सेट कर सकते हैं कि एक पेज पर कितना डेटा या कंटेंट प्रिंट हो इस लेसन में आप सीखेंगे कि वर्कबुक वर्कशीट और कुछ खास सेल्स को कैसे प्रिंट करते हैं आप प्रिंट करने से पहले पेज ओरिएंटेशन, पेज टाइटल मार्जिन और पेज ब्रेक्स कैसे सेट कर सकते हैं एक्सेल की पहली वर्जन में प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन होती थी जिसके जरिए आप अपनी वर्कबुक का प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखकर वर्कबुक को मॉडिफाई कर लेते थे लेकिन आप नोटिस करेंगे कि एक्सेल 2010 में ये प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन निकाल दी गई है लेकिन असल में इस ऑप्शन को निकाला नहीं गया है बल्कि इसे प्रिंट पैन बनाने के लिए प्रिंट विंडो में यज्ञा कर दिया गया है जिसे बैक स्टेज व्यू में देखा जा सकता है टू व्यू द प्रिंट पैन फाइल टैब पर क्लिक करें आपके सामने बैक स्टेज व्यू खुल जाएगा प्रिंट को सिलेक्ट करें ये देखें प्रिंट पैन ओपन हो गया है जिसमें बाई तरफ प्रिंट सेटिंग्स और दाई तरफ प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है अब हम आपको इस प्रिंट पैन के ऑप्शंस के बारे में बताते हैं प्रिंट बटन जब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार हो जाए तब इस प्रिंट बटन को क्लिक करके प्रिंट करें प्रिंटर इस ऑप्शन से आप प्रिंटर का इंतख्य करते हैं जिससे आपने प्रिंट लेना होता है ये ऑप्शन तब कार है जब आपका कंप्यूटर एक से ज्यादा प्रिंटर्स के साथ अटैच्ड हो प्रिंट रेंज इसके जरिए आप ये मुंतखब करते हैं कि आपने एक्टिव वर्कशीट जिस पर आप काम कर रहे होते हैं को प्रिंट करना है पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है या कुछ सेल्स की सिलेक्शन का प्रिंट लेना है कोलेटेड अनकोलेटेड अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की एक से ज्यादा कॉपीज लेना चाह रहे हो तो आप इस ऑप्शन से ये सेट कर सकते हैं किस डॉक्यूमेंट की कुलेटेड कॉपियां प्रिंट करनी है या अनकुलेटेड ओरिएंटेशन इस ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट का लैंडस्केप या पोर्ट्रेट स्टाइल सेट कर सकते हैं पेपर साइज अपने प्रिंटर के लिहाज से कागज का साइज मुंत कर सकते हैं मसलन ए फोर लेटर लीगल ए थ्री वगैरह मार्जिन यहां से आप पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं ये ऑप्शन आप प्रिंटर से निकलने वाले प्रिंट को साइडों से कटने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्केलिंग इस ऑप्शन से आप ये पैमाना सेट कर सकते हैं कि प्रिंट के वक्त कागज पर वर्कशीट किस साइज में प्रिंट होगी आया या अपने असल पैमाना या एक्चुअल स्केल में प्रिंट होगी पूरी वर्कशीट एक ही कागज पर प्रिंट होगी तमाम कॉलम एक कागज़ पर प्रिंट होंगे या फिर तमाम रोज फिट होकर एक ही कागज पर प्रिंट होंगी प्रिंट प्रीव्यू इस ऑप्शन के जरिए आप प्रिंट करने से पहले अपनी वर्कशीट का प्रीव्यू या जायजा ले सकते हैं कि कागज पर वर्कशीट किस तरह नजर आएगी यहाँ इस एरो से आप अपनी वर्कशीट के मुख्तलिफ पेजेस का प्रीव्यू देख सकते हैं टू चेंज पेज ओरिएंटेशन दुनिया भर में कागज के दो ही स्टाइल मुजा हैं एक लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट स्टाइल लैंडस्केप स्टाइल में कागज अमूदी या हॉरिजोंटली होता है जबकि पोर्ट्रेट स्टाइल में कागज उफकी या वर्टिकली सेट होता है ज्यादा रोज को एक पेज में फिट करके प्रिंट लेना पोर्ट्रेट स्टाइल में बेहतर होता है जबकि ज्यादा कॉलम्स को एक ही पेज में फिट करके प्रिंट लेना लैंडस्केप स्टाइल में बेहतर होता है आइए अब हम आपको बताते हैं कि पेज को किस तरह पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में सेट करते हैं फाइल टैब को क्लिक करें प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करें आपके सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा अब ओरिएंटेशन के डाउन मेन्यू से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करें ये देखें आपके पेज की ओरिएंटेशन तब्दील हो गई है टू फिट अ वर्कशीट ऑन वन पेज फाइल टैब पर क्लिक करें प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करें आपके सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा यहाँ स्केलिंग की ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिट शीट ऑन वन पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करें देखें आपकी वर्कशीट का साइज कम होकर एक पेज में फिट हो गया है लेकिन यहाँ ये यह बात याद रखें कि अगर आपकी वर्कशीट का साइज बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देगा तो उसे पढ़ने में दुश्वारी होगी टू मॉडिफाई मार्जिन से मुराद प्रिंटेड वर्कशीट के बॉर्डर का कॉन्टेंट या टेक्स्ट से फासला आपकी वर्कशीट के मार्जिन का सेट होना बहुत जरूरी है ताकि आप और दूसरे पढ़ने वाले इसे आसानी से पढ़ सकें प्रिंट प्रीव्यू के जरिए आप पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं फाइल टैब पर क्लिक करें प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक करें आपके सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा शो मार्जिन्स के बटन पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट के मार्जिन किसी एक मार्जिन मार्कर पर माउस को हावर करें यहाँ तक के पॉइंटर एक डबल एरो की शक्ल में आ जाए क्लिक करें और मतलूबा जगह तक ड्रैग करते हुए माउस के डबल एरो को ले जाएं। माउस को छोड़ें और ये देखें आपकी वर्कशीट के पेज मार्जिन तब्दील या मॉडिफाई हो गए हैं टू यूज प्रिंट टाइटल्स आप जरा ये तस्वुर करें कि किसी वर्कशीट को पढ़ना कितना मुश्किल होगा कि अगर इसके रो या कॉलम की हैडिंग्स सिर्फ पहले पेज पर ही आए प्रिंट टाइटल की कमांड से आप खास रो कॉलम को हर पेज पर दिखा सकते हैं पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें प्रिंट टाइटल्स की कमांड को सिलेक्ट करें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा रोज टू रिपीट एट टॉप वाले टेक्स्ट बॉक्स के आखिर में जो आइकन है उसे क्लिक करें आपके माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह सिलेक्शन एरो जैसी हो जाएगी अब जिन रोज को आप हर प्रिंटेड पेज पर दिखाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करते जाएं। रोज टू रिपीट एट टॉप का डायलॉग बॉक्स आपकी रो सिलेक्शन को रिकॉर्ड करेगा अब रोज टू तो रिपीट एट टॉप वाले टेक्स्ट फील्ड के आखिर में आइकन पर क्लिक करें कॉलम के लिए इस अमल को कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट के टेक्स्ट फील्ड के साथ दोहराएं। ओके okay बटन को क्लिक करें अब प्रिंट प्रीव्यू से जाकर देखें कि प्रिंट होने के बाद आपकी वर्कशीट किस तरह दिखाई देगी टू इंसर्ट अ ब्रेक पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें जिस कॉलम या रो पर ब्रेक करना हो उस कॉलम के राइट और रो के नीचे पेज ब्रेक का आयोजन करें मिसाल के तौर पर कॉलम सी को सिलेक्ट करें ब्रेक्स के ड्रॉप डाउन से इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड को सिलेक्ट करें ब्रेक इंसर्ट हो गई है अब आप प्रिंट प्रीव्यू से ये कंफर्म कर लें कि ये पेज ब्रेक सही जगह लगा है या नहीं